आज की इस बदलती लाइफस्टाइल के चलते हम ना जाने कितनी ही बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। इन्हीं में से एक बीमारी है पैनिक अटैक की, जिसका नाम सुनते ही लोग डर जाते हैं। वैसे ही एक प्रकार का एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता है, लेकिन इसमें व्यक्ति बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। पैनिक अटैक आने के पीछे दिमाग में होने वाली असमानता, अल्कोहल आदि का सेवन करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होना और जेनेटिक आदि कई कारण हो सकते हैं। अब किसी अन्य व्यक्ति या आपके किसी दोस्त को अचानक अगर पैनिक अटैक आ जाए तो आपको उसकी मदद करनी पड़ सकती है। ऐसे में आपका ये जानना ज़रूरी होता है कि पैनिक अटैक आने पर व्यक्ति की मदद कैसे की जाती है। तो आइए आज की इस वीडियो में जानते हैं किसी अन्य व्यक्ति को पैनिक अटैक आने पर उसकी मदद कैसे की जाए। सबसे पहले तो आपको बता दें कि किसी डर के हावी होने या कुछ अनहोनी होने का अंदेशा होने पर पैनिक अटैक आता है, जो आसानी से शांत नहीं होता। ज़्यादा नेगेटिव सोचने से स्थिति और भी बुरी बन सकती है, इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहें और मरीज को भी पॉजिटिव बनाए रखें। इसके अलावा जब किसी व्यक्ति को पैनिक अटैक आता है तो वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप उन्हें अकेला ना छोड़ें। पैनिक अटैक 20 से 30 मिनट में शांत हो जाता है, इसके लिए उनके साथ रहें और उन्हें संतावना देते रहें और उन्हें समझाते रहें। इसी के साथ ही आपको बताते चलें कि पैनिक अटैक होने की वैसे तो कोई खास वजह नहीं होती, लेकिन हाँ, ये एंग्जाइटी से जुड़ा होता है। डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, हार्ट पेशेंट और अस्थमा के मरीजों के लिए इस तरह का अटैक वार्निंग सिग्नल हो सकता है। किसी भी परिस्थिति हो, मरीज को हमेशा शांत रहने की ज़रूरत होती है। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।